नमस्कार। किसी किसी का आपने देखा होगा, किसी किसी का दिमाग बहुत तेज चलता है, वो बहुत कम समय में ज्यादा चीजें सीख लेते हैं। आप बचपन में आपने देखे होंगे, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट होता है, कुछ लो स्टूडेंट होते हो, कुछ तेज दिमाग के होते हैं। टीचर एक बार पढ़ाते हैं ना, तुरंत समझ लेते हैं। या फिर वर्किंग में भी, बॉस की मीटिंग है या सोशल वर्क है या समाज में भी कुछ भी काम होता है ना, जो तेज दिमाग वाले होते हैं ना, वो एक बार में काम समझ जाते हैं। टेक्निक फील्ड हो या नॉलेज का फील्ड हो या किसी का भी फील्ड हो, तेज दिमाग वाले तुरंत सीख जाते हैं। आखिर ये जो जिनका जो तेज दिमाग होता है वो क्या करते हैं? अगर हम भी अपन भी तेज दिमाग करना चाहें तो कैसे करें? कुछ चीजों को जल्दी सीख जाए, अपन लेट सीखते तो अपन भी चाहते हैं कि चीजों को जल्दी सीख जाए। तो आखिर दिमाग को तेज कैसे किया जाए, कैसे दूसरे जल्दी किसी चीज को कैचअप कर लेते हैं माइंड में, अपन भी कैसे कैचअप करें, कैसे अपने माइंड को अपग्रेड करें और कैसे थोड़ा माइंड को तेज करें। देखिए, जो तेज दिमाग वाले होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा सीखते रहते हैं। उनका माइंड को वो कभी खाली नहीं रखते हैं, वो हर चीज को सीखते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। वो किसी एक डर्रे पर नहीं चलते, उनको जो सीखने को मिलती है वो सीखने को सीखते रहते हैं। उनके दिमाग को वो कसरत कराते रहते हैं, उनके दिमाग को वो यूज बराबर यूज कराते रहते हैं, और वो हर एक चीज में वो सोचते रहते हैं कि आखिर इसको कैसे किया जाएगा, आखिर इसको सही तरीके से कैसे किया जाए, आखिर इसको इजी तरीके से कैसे किया जाए। जो तेज दिमाग वाले होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा सीखते रहते हैं। अगर आपको भी अपना दिमाग थोड़ा तेज करना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा सीखते रहो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अर्न करते रहो, हर चीज में अपना दिमाग लगाते रहो कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। जो तेज दिमाग वाले होते हैं, उनके पास जो नॉलेज होता है, उनके पास वो अनुभव होता है, वो अपने जीवन में लागू करते हैं। ध्यान रखना, आप नॉलेज होना ही काफी नहीं है। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बट यू डोंट डू इंप्लीमेंट इन योर लाइफ, यू कांट डू नथिंग, यू कांट इंक्रीज योर माइंड, यू कांट शार्प योर माइंड। आपके पास नॉलेज है, अनुभव है, तो उसे धरातल पर लागू करना होगा, उसे आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा। आपके पास नॉलेज है, जब आप उसको अपनी लाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, अपनी लाइफ के ऊपर लागू करोगे, तो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको कुछ न कुछ एक नया डिफरेंट अनुभव होगा। तो आपके पास जितना भी नॉलेज हो ना, उस नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, तो आपका दिमाग शार्प होता जाएगा। लाइफ में कुछ अच्छा कुछ नया करने की कोशिश करें। जो तेज दिमाग वाले होते हैं ना, वो ध्यान रखना, वो सिर्फ एक ही वे पे नहीं चलते, वो कुछ और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। उनका दिमाग बस चलता रहता है, वो सोचते हैं कि यार क्या नया करें, क्या अच्छा करें यार, क्या अपनी लाइफ के लिए बेटर हो सकता है, कुछ और कुछ मुझे नया करना। जो तेज दिमाग वाले होते हैं ना, वो बस उनका दिमाग शांत नहीं बैठता, उनका बस चलता रहता है, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, बस दिमाग चलता रहा है। और उनको लगता है कुछ अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करना है, बस वो बार बार सोचते रहते हैं और बार बार अपने माइंड को अपडेट करते रहते हैं, नॉलेज को अपडेट करते रहे। जिनके पास तेज दिमाग होता है ना, वो पुराना नॉलेज ही नहीं रखते, वो तरह तरह की देश दुनिया आस पास पड़ोस सबकी खबर रखते हैं, वो अपने नॉलेज को अपडेटेड रखते हैं। उनको पता है कि लाइफ पल पल चेंज हो रही है, थोड़ा सा भी अपडेशन आता है, थोड़ा सा भी चेंज आता है, उनको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उनको हर तरह की नॉलेज रखती है। अगर आपको अपना शार्प माइंड रखना है, अगर आपको अपना माइंड को थोड़ा तेज करना है, उसकी याददाश्त तेज करनी है, तो आपको देश दुनिया और हर जगह की बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए। वरना तो क्या है, आप देश में क्या चल रहा है, आपके आस पड़ोस पड़ो क्या चल रहा है, आपके शहर में क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं। आप अपने हाल में मस्त है, और जब कोई नॉर्मल कोई कन्वर्सेशन होती है, कोई बातचीत होती है, आपको अरे यार ये तो मेरे को पता ही नहीं, तो आपको और महसूस होगा। जब अपने दोस्तों के बीच में बात होगी ना, तो आपको मतलब बेड फील होगा, सब ये कहेंगे क्या यार नॉलेज ही नहीं है तेरे को तो कुछ भी, तो आपको गिल्टी फील होगी। तो देश दुनिया और अपने आसपास की अपडेट और नॉलेज रखें। अगर आपको दिमाग तेज करना और शार्प करना है ना, तो अपने नॉलेज को अपडेटेड करते रहें। तो ये कुछ तरीके हैं, इससे आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हो और अपने दिमाग को याददाश्त बढ़ा सकते हो और अपने दिमाग के सीखने की क्षमता को आप बढ़ा सकते हो।